हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बंस अगेन एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिएगा तथा लास्ट तक इस वीडियो के लिए ज़रूर देखें, जिससे कि मैं आपके लिए जो जानकारी दूँ वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों अक्सर आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बालों की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। दोस्तों जब किसी के बाल सफ़ेद होते हैं तो वो एक तरह से खुद के लिए अनसिक्योर महसूस करता है, वो तमाम तरह के प्रोडक्ट तथा कलर यूज़ करता है, लेकिन उसे उन सभी चीज़ों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। बालों का सफ़ेद होना हर आयु वर्ग के लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे वो छोटा है या फिर बुढ़ापे में। बालों का सफ़ेद होना एक आम बात है, लेकिन समय से पहले बालों का सफ़ेद होना एक बड़ी समस्या है। समय से पहले बालों के सफ़ेद होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हाल ही में अमेरिका की हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि शरीर की जो कोशिकाएँ बालों का रंग निर्धारित करती हैं वो मानसिक दबाव और तनाव के चलते बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। यानी मानसिक तनाव और दबाव भी बालों की सफेदी के लिए जिम्मेदार है। इस अध्ययन की मुख्य शोधकर्ता शू का कहना है कि लगातार तनाव होने पर मेलानिन, जो बालों को रंग प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है, इस पदार्थ को बनाने वाली स्टेम कोशिकाओं का लॉस होना शुरू हो जाता है। शू बताती हैं, लंबे समय तक तनाव झेलने के बाद बालों का रंग तय करने वाली जो कोशिकाएँ होती हैं वो अस्थायी तौर पर खत्म हो जाती हैं। दोस्तों तनाव हमारे बालों को ही नहीं अपितु पूरी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो दोस्तों तनाव से दूर रहें और हमेशा इस चीज़ से बचे रहें। योग तथा मेडिटेशन का सहारा लें तथा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत बेहतर बना सके। तो आज की वीडियो में बस इतना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।